नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप लोगों के लिए आज एक फिर खास वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में हम ट्यूबवेल या ट्यूबवेल इरिगेशन के बारे में जानेंगे कि ट्यूबवेल किसे कहते हैं और ट्यूबवेल सिंचाई कैसे की जाती है। देखिए, यहाँ पर इस समय ट्यूबवेल चालू है और अभी दिखाते हैं। जैसे जो वेल होती है, उस वेल मतलब कुआं, उस कुएं में हम लोग या तो पाइप डाल देते हैं, जैसे इस समय हमने इस कुएं में पाइप डाल रखा है, और या फिर स्ट्रेनर वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, जिस कुएं में पाइप या स्ट्रेनर डाले जाते हैं, और जो ट्यूबवेल होती है इसमें काफ़ी इम्परवियस लेयर्स को तोड़कर वेल बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्यूबवेल कहते हैं। अगर हम साधारण वेल की अगर बात करें, खुले कुएं की, जिसमें अगर हमारा पाइप नहीं डालेंगे, तो उस अगर कुएं की बात करें तो उसमें 3 से 6 लीटर प्रति सेकंड से अधिक पानी नहीं मिल सकता। लेकिन हम जो ट्यूबवेल होती है उससे 200 लीटर प्रति सेकंड से अधिक पानी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है साथियों, क्योंकि ट्यूबवेल से 200 लीटर प्रति सेकंड से अधिक पानी भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि साधारण से 3 से 6 लीटर ही प्राप्त किया जाता है। और आज की इस वीडियो में बेहद ही खास इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब जानेंगे वाटर कोर्स। देखिए, वाटर कोर्स क्या होता है, इस समय आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक नाली टाइप में बनी हुई है और इस नाली में पानी चल रहा है। ठीक है, इसमें नाली है और ये नाली में पानी चल रहा है। नाली के दोनों साइडों में सपोर्ट लगी हुई है साथियों, इसी को हम लोग वाटर कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को वाटर कोर्स कहा जाता है। जैसे इस समय आप लोगों की दोनों तरफ देखिए, इसमें पानी चल रहा है और दोनों ही साइडों में सपोर्ट लगी हुई है। ठीक है, और उस सपोर्ट की वजह से पानी जो है वो जिस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में पानी चल रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सब्वे भी मिलेगा। अंडरग्राउंड जो पानी है वो कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पर एक जो है छोटी सी वेल बना हुआ है, इसे पुलिया टाइप में बोल देते हैं। देखिए, पानी एक सड़क से दूसरी सड़क को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडरग्राउंड पानी निकालना पड़ता है। देखिए, वहाँ से पानी जा रहा था और इस कुएं में से पानी बाहर आ रहा है, ये स्मॉल वेल टाइप में आप कह सकते हो इसको। और देखिए, यहाँ से ये पूरा वाटर कोर्स बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा जो है वो वाटर कोर्स है, क्योंकि इसमें जिसको हम लोग हिंदी में बरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरा या गूल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, देखिए ये जो है पूरी गूल है। और यहाँ से देखिए, फिर से बैक में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जहाँ अब पूरे सड़क को पार किया जा रहा है, जिस वजह से सड़क को तो सड़क भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हमने अंडरग्राउंड यहाँ पर अगर पानी को सभ्य पानी भी पहुँचाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से पानी निकल रहा है, उस साइड से पानी अंदर जा रहा था और यहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये गूल के सहारे होता हुआ जहाँ हमारे खेत होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। ठीक है, अब बात अगर हम इसके आउटलेट की करें तो साथियों, आउटलेट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इस समय ये गूल में पानी चल रहा है और जो गूल है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आउटलेट ये कहा जाता है, जैसे गूल है, अब गूल में से खेत में के लिए काट दिया गया है। देखिए, गूल सीधी जा रही है, जो वाटर कोर्स है वो सीधा है। अब हमने इसमें जो है 90 डिग्री का कट दे दिया है, यहाँ पर इस कट को ही क्या कहा जाता है, आउटलेट कहा जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। देखिए, यहाँ पर अच्छे जो गूल है वो गूल से पानी आ रहा है और आसपास जितने भी जो खेत होते हैं वो खेत उस जो गूल है वहाँ से कट लगा देते हैं, जिसको हम लोग आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये गूल है, यहाँ से सीधा जा रहा था और हमने कट लगा कर पानी को खेतों की तरफ को कर दिया। ये देखिए, ये पूरा आउटलेट है, पूरा देखिए आउट पानी क्या हो रहा है, आगे से इसको स्टॉप कर दिया, अब यहाँ से पूरा पानी कट लग रहा है। ठीक है, अब देख कट पूरा पानी जो है खेतों में जा रहा है, आगे से पानी बंद हो गया है। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी आप सभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग से संबंधित। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं, ये जो है यहाँ पर इसे गूल कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।